सारे हम ही घर के सबका जूठा साबुन तेल स्नो पाउडर लगाई जूठा ना चाहिए इनकर के बड़का महारानी घर से अलबड़ी इनकर बाबूजी दहेज में सोने के लंका देले बड़न जैसे तू ना अपने नैहरे से सोने के लंका उठा के इजा लाइल रालू इका उलझुल बकत बाड़ू हाँ हाँ हमार बात तो उलझुल लागी ना अम्मा जी अगर हमरा मरद लगे भी हरी हरी गड्डी रहत ना तो सबके हमार बात नीक लागत किशोर नीचे उतर जा अबे अभी यही मौका है तू चुपचाप अपन संभाल ला मोबाइल किसका बज रहा है आपके सीट से बज रही होगी साहब ये सामान बराबर नहीं रखे हो तुम लोग चलो रखो चलो सामान बराबर रख करके तुम डाला बनकर चले आना चल केकर फोन रहा अरे यार घर के रहा किसका अरे यार माई बाबू के ऐसन करी अब रउआ एक बार जाके कुड़ा ले गई आई कहे कि अब ढेर दिन इंतजार कर ठीक नहीं खे आई वो बात पता बाजी का मास्टर आयन जी दोनों बच्चा के स्कूल से निकाल देली का है कहत रही है ढेर दिन से स्कूल नहीं खे गयलू दोनों यही से अब का हुई ऐसन करी जाके मास्टर साहब से बात करत बानी शायद कुछ हो जाए ठीक बात हम जाके बात करते हैं ना ना रवा रहती हम सीमा के संगे लेके जातवानी जल्दी आइए मास्टर जी मुखिया जी के वजह से गांव के विकास के काम बहुत अच्छा हो रहा है अरे बुलंद जी जौने गांव के मुखिया ईमानदार होखी मेहनती होखी वो गांव तो विकास करबे करे बेटी खाती एगो बहुत अच्छा रिश्ता देखले बनी हम लड़का सरकारी नौकरी में नहीं खे लेकिन घर पर 4 बीघा खेत बा ओकरा और वहीं एगो कंपनी में सुपरवाइजर लागल ह देखो कुल खानदान सब बहुत अच्छा बा अच्छा रिश्ता जम सकेला तो तुम बहुत बढ़िया बा भूलन भैया केकर रिश्ता का बात होता जी इनकरे बेटिया के मास्टर जी अरे ओकर तब है खेले कूदे के उम्र बा पढ़े लिखे के उम्र बा अब ही शादी हो जाई अरे पढ़ाई लिखाई में कहा रखल बा मास्टर साहब या शादी हो जा बस आजकल ब्याह शादी में बहुत ही झंझट बा
अरे सब झंझट खत्म हो जाए रामाशी, पढ़ लिख गईला पर दहेज भी ना देवे के पड़ी। अरे तोहरा लोगन के पता ना कि आजकल तो लोग पढ़ल लिखल पतो खो जाता। हाँ गोर लगता नहीं मास्टर जी। अब खुश रहा खुश रहा। कहाँ बात बस सरस्वती? बहुत परेशानी में बानी मास्टर जी। हमर मीनू हमर किशोर दोनों जना के स्कूल से नाम काट दिए गईल बा। अरे ढेर दिना गैर हाजिर रहला पर नाम कट गए हो की? मुखिया जी से चिट्ठी लिखवा दे, नाम फिर से लिखा जाए। सच मास्टर जी? अरे बिल्कुल। अच्छा सरस्वती स्कूल जा ताड़ू ना? हाँ हम जा रहल बानी। देख इतवार चाची होके स्कूल जा ताड़ू। तोहार मन ना करेला स्कूल जाए? हमरा बहुते मन करेला मास्टर जी। तो जालू काहे ना? कितना तक पढ़ ले बाड़ू? सातवां तक मास्टर जी। ब्याह शादी हो जाओ, ससुराल जाके अपन घर बसा। बस देख लो भाई रिश्ता बहुत बढ़िया बा, ढेर लोग घर द्वार के माटी कोड़ दे ले बा। अब देखा कहीं यानी गड़बड़ा ना जाए। अरे भूलन जी अभी तो रहुआ तरक्की की बात करत रहनी है। अरे पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा विकास होखेला। हाँ अरे रिश्ता खुद चल के आई। रहुआ ऐसा बात कहत नहीं मास्टर साहब, अब लड़का वाला थोड़ा ही अपने से आई है सर रिश्ता लेके। अरे पढ़ाई लिखाई से बड़ा बड़ा परिवर्तन हो गई बा, पढ़ा के तो देखा। मुझे रोज रोज सब्जी नहीं खानी है। खा ले किशोर, खाना ऐसे नहीं छोड़ते। हमको मन नहीं है खाने का। खा लेना। मैं बोला ना मुझे नहीं खानी है। खा ले किशोर। अरे खाली का हटा रहे, बहुत चर्बी चढ़ गया तुमको है? हमको एक ही खाना रोज रोज नहीं चाहिए। अरे सुनो लाट साहब को 56 भोग चाहिए खाने के लिए। अरे देखो एक तो कंपनी तुमको पैसा दे रही है, उस पर से खाना भी दे रही है, तुमको बहुत गड़गड़ बुझा रहा है। आए चल खाओ। खाना दो रोटी और थोड़ा सा सब्जी देते हैं, और पैसा कहाँ देते हैं? देखो जितना जरूरत है उतना मिल रहा, समझे? इसी में एडजस्ट करो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। काम न धंधा आज देवे के चंदा है। चल खाओ। ज्यादा मत बोल। है हटा के नहीं तुम लोग? अब हमको यहाँ नहीं रहना है, हम चल जाएंगे कैसे भी। बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। अब मैं वो करूंगा जो यहाँ भी लोग नहीं किए होंगे। अरे खाना खाएगा कि नहीं तू? तुम दोनों को खाली गपबाजी करने का बहाना चाहिए है? चुपचाप आराम से खा लो, नहीं तो कहीं हम अपना तरीका से खिलाए ना तो जिंदगी में कुछ खाने का लायक नहीं रहोगे तुम। तुम परेशानी बटोर रहे, शुक्र मना उसने नहीं देखा, अगर देख लेता तो क्या हाल करता।
रही ना, अब हमरा से काम ना होई। अरे भाई अब काम तो सबका मिल बांट के करे के पड़ी ना। अरे वह तो हमहू कहत बानी कि काम सबके मिल बांट के करे के पड़ी। हम अकेले घर के नौकरानी ना है कि सबका जूट बर्तन साफ करिए जा। जेका करे के बा तेजा बैठ के करे, हम ना करब। बड़का इलवाड़ी काम करे वाली आके अचरे के ना बा, यही से बोली निकलता। ए हा? सुना तहरा माई के ना महारानी बन के बैठे के बा, तब बैठल रह। हई बर्तन तू धोवा। हाँ सीमा माज दत बर्तन जा बेटा माज दत। सीमा तार माई कहाँ बड़ी हो? माई कमरा में बड़ी बाबूजी। अरे सुना वो खेत पर काम ठीक चला था ना, और वो बिया खातिर हम बोल देले बानी, वो जो कटाई के काम चला था ओकरा के देख लिया। बोझा ओझा जॉन भी बा संभाल लिया। चाहिए चारों टाइम इस घर में खाली हर और बैल नियन खटत रहेला, और हम नौकरानी नियन खटत बानी। लेकिन तब भी इस घर में हमार कौनो इज्जत नहीं खे, चाहे कुछ हो जाए। अब हम अपन बिटिया के बिया यह लड़का से करब। बस सुना दुल्हन, ऐसे कहीं शादी बिया हो खेला तो का करी माँ जी, हाथ पे हाथ धे के बैठल रही। ये हमार मरद मुंह पे ताला लगौले बाड़न। कुछ हो जाए माँ जी, हम अपना भाई से बात करके ये लड़का से ही बिया करें। अरे भौजी जल्दबाजी का काम खराब होला। अब तुम लोग एक बात नहीं पता, तो लड़की बिया ना सीमा बहुत तेज लड़की बिया, काल मीनू के माई के सवाल खटाखट हल कर दे। रउवा लोग के सिखौला पढ़ौला पे ही हमार बिटिया खराब हो गई बा। अरे बिया शादी के उम्र हो गई बा, और ये उम्र में स्कूले जाए ना, हम ओकरा के स्कूले ना जाए दे। और हाँ बार बार ऐसा अच्छा रिश्ता ना आवेला। भौजी ब्याह कहाँ भागल जाता, एक बार पढ़ लिख जाए ना तो कोनो भी बड़का घर में होकर ब्याह हो जाए। बस बबुआ अब हमरा के ढेर समझावे के जरूरत नहीं के, हम सब समझत बानी कि हमरा के का करे के चाही और का ना। तोहरा पता नहीं के भौजी, ओकर तारीफ तो मास्टर जी भी करत रहला। तब का करी, ढोल लेके पीटी खुशी मनाई। हाँ अरे ब्याह हमार वह लड़का से होई, हमार बिटिया के। हम देखत बानी कि ओम के पढ़ौला पे बबू आ गइल बानी। उ तो यह चाहेला ना घर में कि हमार बिटिया के बिया ना होवे, नहीं तो ओकरा के पैसा जे उगले के पड़ी। तका हमने लगे पैसा के पेड़ उगल बका कि जकरे मना के तोड़ ले। सुना हम आपन पैसा मांगत बानी, कर्जा ना मांगत बानी तोहरा से और तोहर मरद से। हमार बिटिया के बिया होए के रही, चाहे कुछ हो जाए, पैसा तो निकाले के पड़ी घर के लोगन के। बस का भाई? अरे कुछ हो ना, मीनू के माई के सवाल तू ही ना हल कैलू। हाँ चाचा भाई, देखा भूगोल के सवाल भी हल कर देले बानी, देखा भारत के नक्शा बनवले बानी। देखे तर भैया कितना अच्छा नक्शा बने ले दिया, यही से कहते ना एकर जिंदगी ना इस चूल्हा चौका में मत झोंका। इस पढ़ लिख जाए ना एकर केहू भी सानी ना रही। हम पता कैले बने ओकर चाल चलन ठीक नहीं के, आ सबसे बड़का बात बा कि ओ गांव में हमनी के लइकिन के बियाह ना होके। रउआ के तो हर चीज में बुराइये लौकाला।
भैया जी, रउआ बुरा ना मानब तो हम कुछ कहे के चाहत बानी। हाँ हाँ कहा कहा। अभी हमार सीमा की उम्र कितना भइल बा, अगर सीमा के शादी से पहले अगर पढ़ाई पूरा करवावल जाए तो इमे कितना अच्छा रहे। इतना तक बुढ़ाई बेर बिया करिए। अरे बिया के उम्र हो गई बा ओकर। दीदी जी, अब सरकार भी लड़का लड़की के शादी की उम्र निर्धारित कर चुकल बानी। लड़की के शादी 18 साल के बाद और लड़का के शादी 21 साल के बाद कइल जाला। हमर सीमा की उम्र कितना भइल बा, अभी शादी कैला से अच्छा बा ओकरा के हमनी के पूरा पढ़ाई करवाई। हसुआ के बिया में खुरपे के गेत मत काई। हम जब कह देने की ना पढ़िए तो ना पढ़िए। दीदी जी, मीनू असीमा हमरा खातिर दोनों हमार बच्ची बिया। रउआ पता बा, मास्टर साहब भी पूछत रहनी असीमा के बारे में। हमरा से कहत रहनी कि सीमा के पढ़ाई शुरू करवावल जाओ। ए युग में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी बा। ए बबुआ, अब अपन मेहरारू के भाषा मत बोली। रहे दी, हमरा के मालूम बा कि सीमा के पढ़ावे की बा कि ना। ये में गलत का बा? माजी, सब गलत बा। अरे काम धंधा ना करी है तक पढ़ाई लिखाई से गुजर होई ससुराल में जाके। अरे गांव जवार के मने थूकी हमरा पे, का कही। रहे दी अम्मा जी, हमें पढ़ावे लिखावे के ना बापन बिटिया के। अरे जल्दी बिया हो जाए तबे बड़ी हवा बुझनी। पर माई, हमरा के स्कूल जाए के मन बा। चुप रहा, ढेर बोला मत ना तो मुंह तोड़ देब तोहर। हम ओम बबुआ से कह देत बानी कि सीमा खाती जल्दी लड़का ढूंढे और कद बिया करे। एकर रहन ठीक नहीं खेलागत हमरा के। अब हम बिया ना करब माई, हम पढ़ब। का बोलू तू, बिया ना करबू? बड़की पढ़ा खूब है हो। शादी करने की उम्र हो गई बा, पढ़िए हमरे बाल की है। अरे तोरे बोल ये गट्टे ये दबा दे। अरे मार के मुंह देबू काहे के रखे। चुप रह तू। तो यकीने नहीं खेत कितना जल्दी काम हो गया। अरे जल्दी कैसे ना होगी भैया, मैनेजर हमारे जान पहचान के है। देख ला अपन जॉइंट अकाउंट। लेकिन इनमें भैया का तो नाम ही नहीं के। अरे तब 50 आदमी के नाम डला के का होगी भैया। और इसे भी भैया हमनी से अलगा थोड़े ही बड़े। ना ना, एक मतलब ये थोड़े ना भाई, उनका नाम होगी चाहिए। अरे अब छोड़ा ना भैया, जाए करे दा उनकरा के खेती बाड़ी। अब मान लो उनका नाम डालियो दिहल जा, अब वो करे के तो उनके खेती बाड़ी है बा, का फर्क पड़ता।